क्या कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है, क्या सिंचाई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है। लोग गांव से निकल के शहर में जा रहे हैं, खेती से निकल के नॉन खेती में जा रहे हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो पहले से बढ़ जाती है। कोई नई सोच नहीं डेवलप हो रही है कि कृषि को कैसे सुधारा जाए। You know what are the problems with small farmers? Let me tell you the issues. All those issues, we started our interventions here to bring all those gap filling and addressing the issues in the region. जितना कम खेत की जुताई होगी उतना उर्वरा शक्ति ऊपर बनी रहेगी। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जब हम मिट्टी को जोत देते हैं, खोल देते हैं, तो वो खोखली हो जाती है, मतलब भुरभुरी हो जाती है। जब पहला पानी लगाते हैं तो वो 6-7 घंटे ले लेता है एकड़ को भरने में। अगर बिना जुती जमीन है तो ये 5 घंटे में 4 घंटे में भर जाती है। यही फर्क है। ये जो कल्लों की गिनती है, ये अगर हमारे टिलर जितने ज़्यादा निकलेंगे उतनी ज़्यादा बाल बनेगी, ज़्यादा बाल बनेगी वही हमारा उत्पादन देगी। जबकि वहाँ हवा भी तो लगता है बगल में, तो हवा भी निकलेगी। एक नवंबर से 15 नवंबर का जो समय रहता है, अगर उस समय हम अगर गेहूं की बुआई कर देते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपज रहता है। अभी मैं किसी किसान को चाह रहा हूं कि आप इसका कोई एक पौधा को उखाड़ के दिखाइए, ये उखड़ रहा है आपसे। लेकिन जब जोत वाले खेत में जब हम जाते हैं तो आराम से नीचे से उखड़ जाता है। जब जड़ अच्छा बनेगा तभी ऊपर आपका तना भी अच्छा निकलेगा। हमारे मेजर इश्यूज़ जो हमें समझ में आए वो थे इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस के, मैकेनाइजेशन के, लेबर कई बार अवेलेबल नहीं है, टाइमली नहीं है, तो हाउ मैकेनाइजेशन कैन हेल्प, हाउ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इन अ विलेज कैन लीड टू ए हायर प्रोडक्टिविटी। ये आपका जो 4 कट्ठा आलू का खेत है, इसको बोने में पारंपरिक तरीके में कितना समय लग जाता है? एक दिन। और कितने आदमी बुआई करते हैं? 6 आदमी। जो ऑटोमेटिक मशीन से बोया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं? एक प्रकार का कोई भी इसमें खर नहीं है। पानी का लेवल यहाँ तक मिल रहा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर नमी नहीं चाहिए। आप पौधे देखोगे तो पौधे की जड़ यहाँ होगी। ये आप देखिए, इसमें इतनी सारी आलू बनी हुई है, सारी आलू बिल्कुल स्वस्थ है और आलू की चमक बढ़िया। इसमें पहले आलू था, आलू के बाद में हम केला लगाए। केला से हम सोचते हैं कि अच्छा है, यहाँ की वृद्धि है, और अगर 100 रुपये पेड़ तक भी बिकाता है तो हमारा 1 लाख का बेनिफिट होता है। इसमें 20,000 रुपये अगर खर्चा भी होगा तो भी 75,000 रुपये हमारा बेनिफिट होता है। इसके चलते हम सोचते हैं कि और हमको केला का खेती बिछड़ा मिले ताकि हम आगे और केला का फसल बढ़ाएँ। चलता है, डीजल की बचत है, किसान लोग को भी धान के फसल में फ्री सेवा उपलब्ध है। जिस हिसाब से हमने पानी दिया उस हिसाब से 3 से 4 साल के अंदर मेरा पैसा रिकवरी हो जाएगा। जगह जमीन नहीं बटे, पहले दूसरा का खेत हम काम करत रही, आ काम कर धान रोपती, गहूँ कटती, आ उसे लिए रही, तो बाल बच्चा खिया रही। बकरी आ गए,
तो बकरी से पोसैत पालैत बानी, बच्चा दिले बा तो दूध पिए ओके बेच के अपना बाल बच्चा के पढ़वै तनी लिखवै तनी आ वही से हमी के जिंदगी जाए। पानी नहीं पीता है, खाना कम खा रहा है, कीड़ा दवाई दी है पहले कभी उसको? देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि किसान को ये ना लगे कि कोई मेरे खेत पे आया और करके चला गया। जब तक उसका अपना इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ के अंदर नहीं है तब तक वो उस चीज़ की ना तो ओनरशिप लेगा ना उसको सीखने में इंटरेस्ट देगा। ऑलरेडी बहुत सारे एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं क्षेत्र में हमारे, बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरीज है, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि बीज ला के देने की बजाय हम उनको लिंक कर दें कि भाई कौन सप्लायर है, कहाँ मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, उसका क्या नंबर है, हम उनको संपर्क करें और कोशिश करें कि वो हम पे डिपेंडेंट ना बने। हम अपने जीवन स्तर को बढ़िया करने के लिए हम ऐसी फसलों का चुनाव करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके और अपनी स्थिति को भी बेहतर बनाएं, तो इसमें विज्ञान और तंत्र हमको मदद करता है और इसमें इन लोगों की भूमिका कि थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए कैसे हम कम जमीन में ज़्यादा पैदावार पालें। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका फार्मर्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो शेयरिंग मैकेनिज्म हम जिसको बोलते हैं, कि मैक्सिमम लोगों तक वो बेनिफिट जो है पहुंचना चाहिए। ट्रैक्टर से गांव गांव घुमा घुमा करके थोड़े लोगों की दूरी पर जाकर कर देते हैं दौनी, 250 लोग 300 लोग का भी लगभग हम काम करते हैं। 10 क्विंटल करने में पहले 300 रुपया लगभग लगता था, आज तो 100 रुपया लोग देता है, कौन कम दे देता है, कौन 10 रुपया बेसी देते हैं। छोटे किसान 1 एकड़ वाले 2 एकड़ वाले ट्रैक्टर ले नहीं पाते, उनको ये चीज़ भाड़े पर चलाना होता है तो लागत अपने आप बढ़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं जो परेशानी अपने आप बढ़ गया। वो जितना उपज कर पाते हैं उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। हम पोटैटो प्लांटर से आलू लगाए हैं, हमारे यहाँ 1 कट्ठे आलू रोपने में लेबर कॉस्ट लगता है 300 रुपया। आज पोटैटो प्लांटर से आलू रोपने में 1 कट्ठे में लागत लगता है 100 रुपया। आलू जो है ज़्यादा बैठता भी है, फल ज़्यादा होता है, उपज ज़्यादा होता है, पानी का लागत कम होता है, तो पानी का लागत में भी बचत हो गया, फल बढ़ गया, इसमें भी हमको फायदे हो गए। सहगल फाउंडेशन के लोग हमको इतने समझा दिए हैं कि उस सहारे हम आगे का खेती करते रहेंगे।